हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब लोग अच्छे हैं। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रिव्यू और साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ MI बियर्ड ट्रिमर 1C के लिए। मॉडल है 1C, ओके, जो कि मैंने खरीदा था, आप इधर देख सकते हैं 24/3/2022 को मैंने खरीदा था। और इसका आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कैसे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा और मैंने कितना रुपीज से खरीदा, कहाँ से खरीदा। अच्छा, सो और मैं साथ साथ में कंपैरिजन भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मेरा प्रीवियस एक ट्रिमर था, सो प्रीवियस ट्रिमर फिलिप्स का था, ठीक है। आप इधर थोड़ा क्लोज व्यू लेके दिखा सकते हैं, QT 4000 फिलिप्स का, ओके। ये बहुत पुराना हो गया ऑलरेडी। सो देखिए फ्रेंड्स, ये तो अनबॉक्सिंग नहीं है, ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ ये प्रोडक्ट और कर भी रहा हूँ। ऑलरेडी देख सकते हैं मैं अपना ये दाढ़ी से ही बनाता हूँ जनरली। सो दिस इज MI बियर्ड ट्रिमर 1C, इट्स लुक्स लाइक दिस ओनली। सो पकड़ने में थोड़ा सा कंपेयर अगर करूँ मैं ये फिलिप्स वाला से, जो कि मेरा पुराना ट्रिमर है, इससे थोड़ा सा मतलब पतला है, थोड़ा सा लाइट है ये। सो इसका मतलब मैं ये एडजस्ट कर सकता हूँ, इधर देखिए थोड़ा सा ये इसका क्लिप है, ठीक है। इसका ब्लेड है, ब्लेड हम लोग ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ऐसे रिमूव करके यहाँ पे जो ऑयल या ब्रश वगैरह जो देता है साथ में उससे हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप फिर फिक्स कर सकते हैं इसको ऐसे करके, जस्ट ये कर देना है, जस्ट इसको पुश कर देना है, बस फिट हो गया, ओके। लेंथ एडजस्टमेंट, ये आपका जो क्लिपर है इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 to 10 तक हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो इसका मैं अगर बताऊँ जो मेरा एक्सपीरियंस, इसका प्रिसीशन जो है, और प्रिसीशन बहुत ही अच्छा है, फिलिप्स के बराबर, फिलिप्स के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन एक बार यूज फॉर मोर देन 4 मिनट्स और लाइक दिस, सो तब ये इसका ब्लेड जो है, सो आपको ये हीट हो जाता है। यही डिफरेंस है मैं, मुझे जो जो फर्क लगा मैंने फिलिप्स वाला से, इसका फिलिप्स का वाला कभी भी हीट नहीं होता था। जितना भी टाइम इफ यू आर यूजिंग फॉर मोर देन 15 मिनट्स ऑल्सो, देन इट इज ओके, ब्लेड्स मतलब हीट नहीं होता था। लेकिन इसका ब्लेड आप 5 मिनट्स यूज कर लो तो आपको इस इधर लगाने में, आपका चीक में लगाने में थोड़ा सा मतलब वो ये फील मतलब अच्छा नहीं है, हार्ट पर मतलब गर्म लगता था, ठीक है, गर्म लगता है, ओके। सो दूसरा इतना, और इसका मैं ये बता सकता हूँ कि बैटरी बैकअप जो है, ये तो जेन्युइनली फिलिप्स से बहुत अच्छा है बैटरी बैकअप। अभी तक मेरा 1 साल हो गया होगा, मोर देन 1 साल हो गया। सो बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स ऐसे आसानी से ये यूज़ कर सकते हो। पर दिक्कत ये आएगा आपको, मतलब इसका ये जो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है ब्लेड, इससे आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत आएगा। और मैंने ये ख़रीदा था, तो मेरा कब डेट कब खरीदा था, 24/3/2022, जिसका मॉडल नंबर है क्या है, MI बियर्ड 1C। इसका लेबल प्राइस है ऑलरेडी MRP दिया हुआ है 1199 रुपीज। सो मैंने ये डायरेक्टली MI का शोरूम से जाके लिया था, फ्लिपकार्ट से नहीं है। आज मैंने जब मैं रिव्यू देने वाला था, तब मैं जब फ्लिपकार्ट में चेक किया या दूसरा साइट में चेक किया, फ्लिपकार्ट में तो अभी भी इसका प्राइस सेम ही है 1199 रुपीज। सो मैंने जब लिया था ओनली 1100 रुपीज से मिला था, आई गॉट ओनली 99 रुपीज डिस्काउंट, समथिंग लाइक दिस। ओबियसली इसका जो ड्यूरेबिलिटी और आपका जो यूजफुलनेस हो सकते हो, और मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। बस एक ही दिक्कत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिएगा बिफोर परचेजिंग, इसका थोड़ा ब्लेड क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, आपको ये थोड़ा दिक्कत आएगा। अदरवाइज बैटरी बैकअप एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड। और एक चीज, अगर आप ये फिलिप्स का देखें तो क्लोज व्यू लीजिए, यहाँ से हमारा जो लेंथ एडजस्टमेंट है इसका, इसका लेंथ एडजस्टमेंट ऐसा दिया हुआ है MI का, ये बटन के जैसा, ये आपको घुमा घुमा के इसका लेंथ एडजस्टमेंट कर सकते हो। और इसका ये था कि इसका ऐसा सिस्टम था, सो इसका भी एडजस्टमेंट अप टू 10 था और इसका भी 10 है,
ठीक है, इसका ऑन ऑफ बटन ऐसा है, इसका तो ऑन ऑन ऑफ बटन इधर ही है। इसको सुन लीजिए, इसका आवाज आप सुन सकते हो। सो दिस इज व्हेन इट इज ऑन। सो बैटरी, दिस इज बैटरी मीटर, ऑलरेडी बैटरी इज फुल्ली चार्ज्ड। दिस इज आवर पावर प्लग कॉर्ड, ओके। MI ब्रांडिंग इधर दिया हुआ है, ओके। सो मैं ऑफ कर देता हूँ इसे, आप देखिए इसका, ये देखिए हाइट एडजस्टमेंट, ओके ओके। प्रिसीशन रेट बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। और एक चीज मैं दिखा सकता हूँ इधर, एक इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। सो हाई प्रिसीशन ट्रिमिंग लिख के दिया है, और मैं बोल भी रहा हूँ प्रिसीशन बहुत अच्छा है। एडजस्टेबल 20 लेंथ सेटिंग्स जो है, ठीक है, 60 मिनट्स रन टाइम दिया हुआ है। और ये सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स है, ये एक एडवांटेज आप लोग देख लीजिए। इसका ब्लेड्स जो है वो ऑटोमेटिकली जब ये स्लाइड करता है, जब एक ब्लेड दूसरा ब्लेड का ऊपर, तो ये ब्लेड क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये शार्प होते रहता है। तो आपका मतलब ट्रिमिंग करने के टाइम में कोई ये दिक्कत नहीं आता है, ओके। सो ये ओवरऑल रिव्यू ये था। और फिलिप्स भी एक बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, मैंने लगभग ये जब लिया था लगभग इससे मैंने 4 साल तक यूज किया। 4 साल, कैन यू इमेजिन। नो डाउट फिलिप्स भी बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और कंपेरिजनली ये दोनों ही बेहतर प्रोडक्ट है। लेकिन एक ही दिक्कत, इसका भी रन टाइम, इसका रन टाइम थोड़ा सा मुझे लगा इससे कम होता है, इससे MI से फिलिप्स का रन टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जिंग इशू भी कुछ नहीं था ये 4 ईयर्स में। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं अगर 10 में रेट करना चाहता हूँ, तो मैं फिलिप्स को, मैं तो इस प्राइस रेंज के अनुसार, ठीक है, इस प्राइस रेंज के अनुसार मैं अगर इसको 9 दूँ तो मैं इसको 8 दूंगा, ओनली बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग इशू। हीटिंग इशू के वजह से मैं इसको 1 पॉइंट कम दे रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज परफेक्टली फाइन। और हीटिंग इशू ये आपका माइंड में मत रखिए, हीटिंग इशू से कोई इतना भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप आसानी से ये यूज कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ओके। सो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसा जो जेन्युइन जो वीडियो मैं देखिए इतना वो करके नहीं बनाता हूँ कि दूसरा लोगों के जैसा, इतना नॉर्मली हम लोग बातचीत करके आपको समझा दे रहा हूँ। सो ये अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए। समय समय में कुछ भी मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो उसका आपको रिव्यू देते रहूँगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लास्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे अहेड।